वादी कश्मीर में पाबंदियों का रहा आज 22वां रोज, मुतद्दिद मकामात पर बंदिशें जारी। शहर के बेशतर इलाकों में सख्त सिक्योरिटी, स्कूलों में बच्चों की तादाद ना के बराबर। पाबंदियों और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल के बीच मरीज और तीमारदार भी लाचार। कई अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत की शिकायतें, दरबदर हो रहे हजारों बीमार। 2 हफ्तों के बाद हफ्तावार राह मिलन बस सर्विस बहाल। 46 मुसाफिर हुए पुंछ सरहद से आर पार। दफा 370 की मनसूखी के बाद बड़ी कशीदगी के बाद बस सर्विस की गई थी मौत। G7 समिट के दौरान वजीर आजम मोदी की सदर ट्रंप से मुलाकात। भारत पाकिस्तान के दरमियान तमाम मामला दो फरीकी। वामी मुलाकात में तीसरे को नहीं देंगे जहमत, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। और सरहदी जिला राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हादसाती तौर पर हुआ धमाका। जोरदार धमाके में एएसआई और हेड कांस्टेबल जख्मी। इब्तदाई इलाज के बाद जीएमसी जम्मू किया गया रेफर। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं आपका मेजबान आसिफ रशीद, और अब पेश है खबरों की तफसील। वादी कश्मीर में आज 22 रोज बाद भी बेशतर मकामात पर सख्त सिक्योरिटी और पाबंदियां आयद रही। मुतद्दिद मकामात पर आज गैर एलानिया कर्फ्यू के साथ साथ पाबंदियों में कई मकामात पर नरमी देने की बात की गई थी, ताहम इस दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच लोगों की आवाजाही सड़कों पर काफी कम नजर आई। दीगर अजला की तरह शहर श्रीनगर में भी आज कई हसास मकामात पर फोर्सेस की इजाफी नफरी को तैनात किया गया था। इधर श्रीनगर के चंद इलाकों में बढ़ती गई नरमी के दौरान चंद मकामात पर निजी ट्रांसपोर्ट की हल्की चहल पहल और नकलोहमल देखी गई, ताहम शहर के बीचों बीच मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई रही। चंद मकामात पर संगबाजी के वाकात को छोड़कर पिछले 22 दिनों से अगरचे पूरी वादी में हालात मामूल पर रहे, ताहम कर्फ्यू जैसी सूरत हाल और पाबंदियों के बीच आम लोगों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पूरी वादी में आज 22वें रोज भी मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड खिदमात मुसलसल बंद हैं, जिससे लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और हजारों लोग अपनों से बात करने के लिए रियासत और बैरून ममालिक बेताब नजर आ रहे हैं। इधर एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में भी पाबंदियों की वजह से हवाई अड्डे पहुंचने वाले मुसाफिर परेशान हैं। सरकारी दफातरों और चंद प्राइमरी मिडिल स्कूलों में दरसो तदरीस का अमल अगरचे पिछले हफ्ते से शुरू किया गया था, ताहम मवासलाती निजाम मुकम्मल तौर पर ठप होने और ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से तलबा की तादाद स्कूलों में ना के बराबर है, जबकि सरकारी दफातर में मुलाजमीन भी पूरी तरह हाजिर नहीं हो पा रहे हैं। वादी में पिछले 3 हफ्तों के दौरान मरीजों और तीमारदारों को भी शदीद मुश्किलात के दौर से गुजरना पड़ रहा है। मुतद्दद मकामात पर मरीज और तीमारदार लाचार नजर आ रहे हैं। इधर श्रीनगर के एसएमएचएस और ललदद अस्पताल में भी आए रोज हजारों की तादाद में वादी के मुख्तलिफ अजला के साथ साथ खिता पीर पंजाल और वादी चिनाब से लोग इलाज मुआलजे के लिए पहुंचते हैं, ताहम एसएमएचएस और ललदद अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों ने शिकायत करते हुए कहा है कि अद्वियात की किल्लत और वक्त पर इलाज न होने से उन्हें दरबदर होना पड़ रहा है। आज दोन समझाए तो एक जाए बनो आग बे जाए बनो ब्याग बे जाए बनो चोरन पांचन जाए दवा छु बने तो हकान आराम करे दवा दुकान ट्रेन सोन जाए बने चोरन पत अक अक पत सना एक जगह दुकान ये छ म्यादुक दवा अच्छा और बनो ना ये दवा के कतो से बनानी मन छ विचार स्टॉक ही कम के सुनचन के स्टॉक ही चुन कैसे अच्छा रिचो वार है ये अहम दवा इंटरनेट की जो ब्लॉकेड है, कम्युनिकेशन जो ब्लॉकेड है, उसकी वजह से यहाँ पर मेडिकल सप्लाई जो है वो बहुत शॉर्ट है। स्टॉक तो भी है ही नहीं, हार्डली एक या लाइक इट विल लास्ट फॉर 1 or 2 days, उसके बाद लाइक यहाँ पे बहुत किल्लत होगी इस चीज़ की। देखो जी, स्टॉक हमारे पास तो रहता ही है, पहले से है तो चलता है अभी वो, बाकी थोड़े थोड़े जो शॉर्ट है वो लाते हैं, यहाँ से दुकानें खुली हैं, मिल जाता है माल, ऐसी बात नहीं। जो होलसेल वाले हैं वो लाते हैं माल बाहर से, वो माल मिल जाता है, ऐसी बात नहीं, थोड़ा थोड़ा मिल जाता ही है। अब जो ज्यादा शॉर्ट हो वो नहीं मिलता, जो ऐसे आम होता है मिल जाता है।
آئین کی دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد وادی کشمیر میں موجودہ صورتحال کا اثر اب جموں خطے میں بھی نظر آ رہا ہے۔ پابندیوں کے بعد اب مواصلات نظام بند ہونے سے عام زندگی بانیحال میں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ معمولاتی زندگی متاثر ہونے سے لوگ اپنے بچوں کو بھی سکول بھیجنے سے کترا رہے ہیں۔ اگرچہ ضلع انتظامیہ نے سکولوں میں دوبارہ درس و تدریس کا عمل شروع کرنے کے احکامات صادر کیے تھے، تاہم سکولوں میں بچوں کی تعداد نہ کے برابر نظر آئی۔ ان لوگوں کے مطابق مواصلات کے تمام ذرائع ٹھپ ہونے سے والدین خوفزدہ ہیں۔ لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مواصلات نظام کو بحال کر جلد لوگوں کو راحت پہنچائی جائے تاکہ عام زندگی دوبارہ پٹری پر لوٹ سکے اور سکولوں میں درس و تدریس کا عمل دوبارہ بحال ہو سکے۔ جو گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کی بات کری تھی، وہ کون سی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے؟ نہ ہمارے پاس فون ہے، نہ کانٹیکٹ۔ جو ہماری پہاڑی علاقے میں ہمارے فارم بھر رہے ہیں، جو پہاڑی علاقے کے بچے ہیں ان پہ تک کہاں سے یہ بات پہنچائے؟ یہاں تک کہ لیٹ فیس ہو گئی، اب ہم سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں اس بات پہ۔ پتہ رہے لیکن اسٹوڈنٹ نہیں آ رہے، کیونکہ وہ بہت دور سے، کچھ غریب علاقہ، یہ بانیحال بہت ہی پہاڑی علاقہ ہے۔ کی بات ہے، سب ڈویژن بانیحال کے علاوہ باقی ہر جگہ جو ہے ہائر سیکنڈری اسکول کھولے گئے ہیں اور وہاں پر فنکشن کرتے ہیں ہر کوئی ہائر سیکنڈری، لیکن آفیشیلی ابھی ہمارے پاس کوئی آرڈر نہیں آیا کہ ہائر سیکنڈری کا۔ جہاں تک مڈل اسکول کے آرڈر آیا تھا، مڈل اسکول جو ہے وہ پچھلے منڈے سے چل رہے ہیں۔ ہائر سیکنڈریوں کا، بچوں کا ابھی کلاس ورک کا آرڈر نہیں آیا، لیکن جو ہمارا اسکول جو ہے وہ 10 تاریخ کو، کیونکہ 9 تاریخ کو یہاں ڈی سی صاحب، وردی ڈی سی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا 10 کے بعد آپ کی اٹینڈنس آنی چاہیے، 10 سے ہمارے ریگولرلی اسکول چل رہا ہے۔ تعلق ہے تو وردی ڈی سی صاحب نے آرڈر پہلے ہی کیا ہے کہ پرائمری اور مڈل اسکول کے بچے اسکول جائے، لیکن یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم آبزرو کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سٹاف تو ہر سکول میں موجود ہے، سٹاف آ رہا ہے ریگولرلی اور پنکچولی، لیکن اسٹوڈنٹ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے سر؟ سب سے بڑی وجہ اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، جو یہاں بالکل بچے اور پیرنٹس کے درمیان رابطہ نہیں رہ رہا ہے، کیونکہ موبائل، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، براڈ بینڈ، یہ فیسلٹی یہاں اویلیبل نہیں ہے۔ ہفتہ وار پونچھ راولا کوٹ راہ ملن بس سروس ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی کنٹرول لائن کے آر پار ہوئی۔ دراصل آج قریب 2 ہفتوں کے بعد راہ ملن بس سروس سرحد کے آر پار ہوئی۔ اس بار پونچھ سے راولا کوٹ جانے والی بس سروس سے 40 پاکستانی مسافر واپس پاکستان لوٹ گئے۔ وہیں آج پاکستان سے واپس بھارت لوٹنے والے 6 مسافر پونچھ پہنچے۔ دونوں ممالک کے دوران کنٹرول لائن پر کشیدگی کے بعد جہاں تجارت پہلے سے ہی معطل ہے، وہیں پچھلے ہفتے پونچھ راولا کوٹ راہ ملن بس سروس بھی اس وقت معطل کرنی پڑی تھی جب پاکستانی حکام نے کراسنگ پوائنٹ پر لائن آف کنٹرول میں چکندہ باغ پر گیٹ کھولنے سے انکار کر دیا تھا۔ کنٹرول لائن کے آر پار سفر کرنے والے افراد نے آج دونوں ممالک کی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ آپسی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں۔ اور چھم سیکٹر پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں، اور ہم ادھر اپنے رشتہ داروں کے گھر آئے تھے اور کافی اچھا ہوا، لیکن کرفیو کی وجہ سے اسٹاک ہو گئے ہیں۔ اس لاسٹ ویک بھی ہم گئے تھے بارڈر پہ، تو پاکستان کی طرف سے انکوائری ہو گئی تھی کہ بارڈر نہیں کھولیں گے، تو اس مرتبہ دوبارہ جا رہے ہیں، تو آئی ہوپ کہ پاکستان اسٹینڈ کرے گا ہمارے ساتھ۔ یہ تو ہر مرتبہ جاتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، اینڈ تک ویٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، تو آئی ہوپ کہ پاکستان جس ٹائم ول ٹیک اے گڈ اسٹیپ فار اس۔ پنجاب ضلع جنگ، پاکستان ضلع جنگ سے میں آیا ہوں نلی، اور ہمیں یہاں کے بہت ریلیف ملا ہے نلی، الحمد للہ۔ یہاں کی عوام نے ہمیں بہت پیار دیا ہے، جو کہ ہماری سوچ سے بھی بہتر ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہم پچھلی دفعہ جو آئے تھے، واللہ عالم جو بھی پرابلم، جو کنٹرول آپس میں لائن میں ہے، تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں ملکوں میں اتفاق اور اتحاد ہو، اور سب آپس میں پیار و محبت سے رہے، اور یہ آنے جانے کا سلسلہ جاری رہے، کیونکہ ان آنے جانے سے یہ ہے کہ ہماری بہت پرانے جو تعلقات ہیں یہ پھر بحال ہو جائیں گے۔ تو ہماری یہ دونوں حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہم پھر واپس آ گئے۔ دیکھیں، ہم جن کے گھر آئے، ایک تو ان کو کھانے کی، وہ ہمیں کھینچے ہیں، دونوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ملائیں، اور جو اگر نہیں ملاتے آئندہ تو جو آئے ہوئے ہیں ان کو بلا لیں، جو ادھر ہیں ان کو بھیج دیں۔ سرحدی ضلع راجوری کے نوشہرہ بریری علاقے میں آج اس وقت بی ایس ایف کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے جب یہاں حادثاتی طور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بی ایس ایف کے اہلکار اپنی یونٹ میں ہی کچھ ہتھیاروں کی صاف صفائی میں مصروف تھے۔ دونوں زخمی اہلکاروں کو فوری طور
सब जिला अस्पताल नौशहरा मुंतकिल किया गया था, जहां से दोनों को जख्मी हालत में जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। ताहम दोनों बीएसएफ के अहलकार दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जख्मी जवानों की शनाख्त एएसआई राजदेन और हेड कांस्टेबल जामेदीन के बतौर की गई है। मौनी का इंसिडेंट है कि ये अपने एक एंटी मटेरियल राइफल होती है, उसका एक शेल था, उसको जो मतलब कि वो मिसफायर था ऑलरेडी, उसको जो साफ कर रहे थे तो उसी में वो जो ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट होने से जो दो बंदे जो इंजर्ड हुए, जो इंजर्ड बंदे थे उनको लाया गया हॉस्पिटल में, तो हमारी पुलिस की टीम भी यहाँ पहुँच गई थी, तो उसके बाद उनको जो फर्स्ट एड है यहाँ पे दिया गया, और उसके बाद उनको जम्मू जो है वो रेफर किया गया फर्दर ट्रीटमेंट। G7 से अलग वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने भारत का मसला कश्मीर पर अपना मौकिफ दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ जो भी मामलात हैं वो दो फरीकी हैं। उन्होंने कहा कि इन मामलात पर हम दूसरे ममालिक को तकलीफ नहीं देंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बातचीत से मसले का हल कर लेंगे। उनका मजीद कहना था कि 1947 के पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे, ऐसे में हम मिलकर हर मसले का हल निकाल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बायलेटरल इश्यूज हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया था तब मैंने उनसे कहा है कि पाकिस्तान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें, और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी। हमेशा हमारे इस बायलेटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहती है। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलेटरल हैं, और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं, और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 समिट कॉन्फ्रेंस के दौरान अक्वामी मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गोरेट्रस से भी मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के माबेन माहौलियात, दहशतगर्दी, आलमी मंजरनामे को लेकर तबादला ख्याल हुआ। इसी दौरान बताया जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अक्वामी मुतहदा के जनरल सेक्रेटरी के माबेन जम्मू व कश्मीर के हालात पर भी गुफ्तगु हुई। दोनों रहनुमाओं ने वसीतर मौजूआत पर समरावर बातचीत की। वजीर आजम मोदी ने फ्रांस की जुनूब मगरब में वाके साहिल टाउन बियाटिन्स में G7 समिट कॉन्फ्रेंस के मौके पर एंटोनियो गोरेट्रस से मुलाकात की। वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से किए गए ट्वीट में बताया गया कि G7 समिट अजलास के दौरान वजीर आजम मोदी और अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल गोरेट्रस के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मौजूआत पर तफसीली बातचीत भी की। इधर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने आज कौम से खिताब किया। इस दौरान इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी का फैसला कुन वक्त आ गया है, इसलिए जरूरी है कि कौम को एतमाद में लिया जाए। उन्होंने कहा कि जब PTI की हुकूमत आई तो पहली कोशिश यही थी कि मुल्क में अमन पैदा करें ताकि लोगों के लिए रोजगार और तिजारत बढ़ाएं, और भारत को भी इन्हीं मसाइल का सामना रहा था और उनकी भी कोशिश थी कि सबसे दोस्ती करें, जिसके लिए उनकी कोशिश जारी रही। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने मसला कश्मीर को आलमी बरादरी के सामने ले जाने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की। उनका मजीद कहना था कि वो मुस्लिम ममालिक के सामने मसला कश्मीर को दोबारा उठाएंगे और 27 सितंबर को अक्वामे मुतहदा के होने वाले इजलास तक मुल्क कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार करेगी। कांग्रेस लीडर और रुकन पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी ने रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिस तरह सत्यपाल मलिक पेश आ रहे हैं या उन जैसे बयानात जिस तरीके से आ रहे हैं, उन्हें BJP का रियासती सदर मुंतखब कर देना चाहिए। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी वर्तमान होते हैं, कभी पूर्वोज आते हैं। आज की जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं। हम सबको
इसी निगाह से देखते हैं कि वो हमारा देश के प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री होने के नाते जिस तरीके की सुविधा मुहैया होना चाहिए, जिस तरीके की रख रखाव की व्यवस्था मुहैया होना चाहिए वो सबको देना चाहिए। बस मनमोहन सिंह जी कभी ये नहीं कहा कि भाई मेरा जान खतरे में है, मुझे एसपीजी लगा दो, कभी नहीं कहा। लेकिन एक प्रोटोकॉल के हिसाब से, एक स्टेटस के हिसाब से ये सारे चीज मुहैया किया जाते हैं, वो चाहे राष्ट्रपति हो, आज की वर्तमान की हो, पूर्व की हो, प्रधानमंत्री आज की हो, पूर्व की हो। तो ये एक स्टेटस के जरिए सबको साथ समानता अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में मनमोहन सिंह जी के पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, उनको भी जब सत्ता से वो हट गए, चले गए, तो भी उनको सारे सिक्योरिटी मुहैया किया जाते थे। तो ये सारे चीज को मद्देनजर सरकार अगर ये सोचे कि रिव्यू हुआ है, रिव्यू में कुछ पाया नहीं गया, ठीक है, ये सरकार कह सकते हैं, प्रोफेशनल रिव्यू हो भी सकती, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन मुझे ये देखना चाहिए यह सिलेक्टिव ना हो। अगर रिव्यू और रिव्यू के चलते सिलेक्टिव तरीके से किसी को देना और किसी से उठाना ये ना हो, ये भी हमें सबको देखना पड़ेगा। फिर भी सरकार की ये जो निर्णय है और खासकर होम मिनिस्ट्री की निर्णय है, तो निर्णय हम सबको मानना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री चाहे वर्तमान हो या पूर्व हो, उनका एक स्टेटस होते हैं, उनका एक डिग्निटी होते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होते हैं, ये भी हमें देखना चाहिए और इसके साथ हमें रिव्यू करना चाहिए। बस इधर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के बयान पर रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि उनके बयानों से खुद कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने वाला है, लिहाजा उन्हें इस तरह के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी ने मेरे इनविटेशन के मुद्दे को अनएंडिंग बिजनेस कर लिया है। मैंने एक स्टेज पे जब उन्होंने कहा था कि वहां लोग मर रहे हैं, गोलियां चल रही, तब उन्हें कहा था कि ऐसा नहीं है और आपको यकीन ना हो आप आके देख लें। 5 दिन तक उन्होंने कोई किसी तरह का जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं लोगों को लेके जाऊंगा, मैं कैदियों से मिलूंगा, जो नज़रबंद हैं लोग उनसे मिलूंगा, फौज से मिलूंगा। तो मैंने उसके बाद कहा कि ये हमको स्वीकार्य नहीं है कंडीशनल आपका आना, और मैं इसको विड्रॉ करता हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद मैंने कहा कि मैं इसको एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ता हूँ, आप आना चाहें, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक समझेगा आपको अलाउ कर देगा, नहीं समझेगा नहीं करेगा। अब की जब इन्होंने आने का प्रोग्राम बनाया तो एडवांस में एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आपके आने से यहाँ शांति में खलल पड़ेगा, नॉर्मलसी वापस आ रही है, हम यहाँ की परिस्थितियों से निपट रहे हैं, पाकिस्तान की थ्रेट जो रियल है, जो इनपुट्स हमको आ रहे हैं उससे निपट रहे हैं, तो ऐसे वक्त में आपका आना ठीक नहीं है। और आपकी जो अटरेंसेज होंगी, जिस तरह की बात आप दिल्ली में भी बोल रहे हैं, उसका पाकिस्तान मिसयूज़ करेगा, और वही हुआ। इन्होंने यहाँ वापस आने के बाद जो बोला उसको इमरान खान ने अपने ट्वीट में किया है, पाकिस्तान टीवी ने मिसयूज़ किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इसमें इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, और इसको बात को ख़त्म करके कश्मीर में नॉर्मलसी रेस्टोर करने में हमारी मदद करनी चाहिए। वक्त हुआ चाहता है छोटे से ब्रेक का, उर्दू खबरनामा जारी है। शादी का ख्याल आए तो शायद .com नहीं, शादी.com पर आइए। यहाँ 60 लाख लोगों को मिला अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर। मुस्लिम शादी आज ही डाउनलोड करें। देखिए जनाब, बंगला तो आपने अच्छे से देख लिया, अब जल्दी से एडवांस दीजिए ताकि अगली पार्टी से बात करके ये बंगला आपके नाम करवा सकूं। देखिए डार साहब, इस घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो क्या? देखिए बंगला तो अच्छा है, लेकिन जो इसकी अच्छत है वो टाटा शक्ति टीन की बनी हुई नहीं है। देखिए डार साहब, टाटा शक्ति टीन जिंक कोटेड होता है। मजबूती की एक अलामत टाटा शक्ति टीन, आन बराबर जान बराबर, मजबूती में शान बराबर। बादल हो या बारिश हो या बर्फानी तूफान हो, घर की करता है हिफाजत टाटा शक्ति।
पक्का सौदा पक्का वादा टाटा शक्ति टीम के साथ ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर शेयर एजेंसीज बटमालू श्रीनगर ये टीम इनके डीलर्स के पास भी दस्तियाब है। यूं ही नहीं रातों रात देश खड़े हो जाते हैं, यूं ही नहीं रातों रात भाग बदल जाते हैं। दिशा दिखाने वाले लीडर अगर बड़े थे तो पीछे चलने वाले भी कुछ कम न थे, लेकिन हम इनको कहीं भूल गए हैं, तो क्यों ना आज अपना दिल थोड़ा बड़ा करें। दिल बाग पान मसाला, दिल से दिल बाग। शादी का ख्याल आए तो शायद .com नहीं शादी.com पर आइए। यहाँ 60 लाख लोगों को मिला अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर। मुस्लिम शादी आज ही डाउनलोड करें। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। पेश है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। बदहजमी, एसिडिटी, गैस और खट्टी डकारे जैसी पेट की समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। बड़ो 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 मेरे संग। बड़ो 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 मेरे संग। बड़ो 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 बड़ो। इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बड़ो 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 मेरे संग। जिन मरीजों की ट्यूब्स बंद हो, अंडा ना बनता हो, महावारी की गड़बड़ी हो या जिन आदमियों में शुक्राणुओं की कमी हो, ऐसे मरीजों के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक उपलब्ध है। जिन मरीजों की महावारी बंद हो गई हो, ऐसे मरीजों के लिए अंडा दान की विधि से टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक द्वारा गर्भ धारण करवाने की सुविधा उपलब्ध है। जिन आदमियों में शुक्राणुओं की कमी हो और वह अपना बच्चा ही चाहते हैं, ऐसे मरीजों में इक्सी विधि से उनका अपना बच्चा पैदा हो सकता है। मिले डॉक्टर रमा सोफत हॉस्पिटल एंड रुचि टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, कॉलेज रोड, लुधियाना, पंजाब। शादी का ख्याल आए तो शायद .com नहीं शादी.com पर आइए। यहाँ 60 लाख लोगों को मिला अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर। मुस्लिम शादी आज ही डाउनलोड करें। ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज एक मरतबा फिर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से भी बयान दिया और कहा कि उनके दावतनामे को राहुल गांधी ने खत्म न होने वाला मौजू बना दिया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि राहुल गांधी को मुल्क के मफाद को पेश नजर रखना चाहिए। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो पार्लियामेंट में बोले हैं, उसने अपनी पार्टी को कब्र में लिटा दिया है। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, जब भी कभी चुनाव होगा देश में तो अधीर रंजन चौधरी जरूर कोट किए जाएंगे कि ये बता रहे थे कि ये तो मामला UNO का है। मैं उस पर क्या रिएक्ट करूं, उस आदमी की जानकारी पे या उसकी समझदारी पे? मैं बहुत अपनी निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूं और मुझे ऐसे इल्ज़ाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर LJD के सीनियर रहनुमा शरद यादव ने आज एक मरतबा फिर हुकूमत को उन्हें श्रीनगर में दाखिले की इजाजत न दिए जाने पर हद फी तनकीद बनाया। शरद यादव ने कहा कि वो भी वादी सिर्फ इस मकसद से जा रहे थे कि वहां के लोगों से मुलाकात कर अमनो इस्तेकाम के लिए एक पेशरफ्त शुरू की जाए। वो तो उन्होंने खुद कहा था और हम लोग तो यानी किसी तरह का जो कह रहे हैं सरकार के वहाँ नॉर्मल सी है, तो हम लोग तो यानी वहाँ जाकर के इसके तायद भी करना चाहते थे और शांति बनाना चाहते हैं। लेकिन जो सरकार चाहती है वो हम भी लोग चाहते हैं कि वहाँ नॉर्मल सी हो, और वो हमको क्यों नहीं जाने दिए? हम कौन से ऐसे आदमी जो वहाँ हिंसा भड़काते? वो बात करेंगे, सलाह करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे ने भी हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिजब इख्तलाफ के लीडरों को वादी में दाखिल न होने देना इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि यहां हालात अभी भी बेहतर नहीं है। उनने कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के उस बयान की भी हिमायत की जिसमें उन्होंने गवर्नर सत्यपाल मलिक को BJP का रियासती सदर मुंतखब करने की बात कही थी। नहीं, वो उसने तो सच कहा, जो राहुल गांधी और उसका जो टीम जो गए थे अपोजिशन लीडर, बहुत से हमारे वहाँ मुल्क के बहुत अच्छे अच्छे इंसान गए थे जम्मू कश्मीर के, ताकि वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन देखें। लेकिन जब उनको नहीं वहाँ जाने दिया तो इसका आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कश्मीर में घाटी में कितने हालत ख़राब हो। देखिए, सतपाल मलिक जी कहते हैं वो हमारे स्टेट के गवर्नर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब उसकी क्रेडिबिलिटी है नहीं कश्मीर में, क्योंकि अब लोग कहते हैं कि शायद गवर्नर साहब ठीक नहीं बोलता है, गलत ही बोलता है, क्योंकि वो जो बोलता है उस पर ऑन ग्राउंड एक्शन नहीं होते हैं। और अब जम्मू कश्मीर के लोगों को इस
पाल साहब के बात पर ही भरोसा नहीं है, जो वो बोलेंगे वो अपने लिए बोलेंगे लेकिन ऑन ग्राउंड उसका कोई अच्छा सीरियस नहीं लेता है। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर पर मुल्क का तिरंगा झंडा लहराने को लेकर बयानबाजी मुसलसल जारी है। जहां मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों पर इस पर रद्देअमल जाहिर कर रही है, वहीं पैंथर्स पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर भीम सिंह ने भी कहा कि कश्मीर में मुल्क का झंडा मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के वक्त से लहरा रहा है और सेक्रेटरीट पर तिरंगा लहराना कोई नई बात नहीं है और न ही इसे एक मौजूए बहस बनाया जाना चाहिए। And the Constitution of India with all its fundamental rights has Article 35A is gone, and therefore it was natural, it was essential, and I appeal the people of Jammu and Kashmir that this is the act of the Parliament of India and we should accept it. This is not a new start. JNK and the leadership led by Sheikh Abdullah, the Muslim majority state at the time, in 1947, tricolor flag was hoisted by Sheikh Abdullah. So tricolor flag is nothing new for Jammu and Kashmir. We knew it, but we are happy now that tricolor flag has gone back. साबिक मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम को आज एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया, वहीं आज राउज एवेन्यू कोर्ट से भी पी चिदम्बरम को बड़ा झटका लगा है। चूंकि अदालत ने पी चिदम्बरम को सीबीआई हिरासत की मुद्दत में तौसी कर दी है, अब 30 अगस्त तक पी चिदम्बरम सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। इस दौरान उनसे आईएनएक्स मीडिया मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि 22 तारीख को सीबीआई की हिरासत में 5 दिनों के लिए पी चिदम्बरम को भेजा गया था और आज 5 दिन मुकम्मल होने के बाद पी चिदम्बरम को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की खसूसी अदालत कहीं उन्हें जमानत की खबर शायद दे दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चूंकि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में मुदाखलत से इनकार करते हुए निचली अदालत का रुख करने को कहा, वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदम्बरम की हिरासत की मुद्दत 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। मुल्क के साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आज एसपीजी सिक्योरिटी हटा दी गई। खबरों के मुताबिक अब डॉक्टर मनमोहन सिंह को जेड प्लस सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वजारत दाखला ने कहा है कि मनमोहन सिंह पर कितना खतरा है इसका जायजा लेने के बाद ही यह फैसला लिया गया है। इससे पहले करीब 3 साल पहले मनमोहन सिंह की तीनों बेटियों की भी एसपीजी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। वाजह रहे कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी साबिक वजीर आजम की एसपीजी सिक्योरिटी हटा ली गई हो। इससे कबल साबिक वजीर आजम एचडी देवगोड़ा और वीपी सिंह के अलावा एसपीजी सिक्योरिटी इनसे वापस ली गई थी और ये उनकी जिंदगी को कितना खतरा है इसका जायजा लेने के बाद ही फैसला लिया गया था। अभी जिन रहनुमाओं को एसपीजी सिक्योरिटी मिल रही है उनमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी, कांग्रेस के साबिक सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी शामिल हैं। सरहदी जिला राजौरी से ताल्लुक रखने वाली अरमीम शमीम ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एमबीबीएस इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा कर कामयाबी हासिल की है। अरमीम शमीम राजौरी जिले से पहली गुजर खातून है जिनने एम्स एमबीबीएस एंट्रेंस में कामयाबी हासिल की है। इम्तिहान रवां बरस जून के महीने में हुआ था जिसके लिए कई महीनों से शमीम के बकौल वो मेहनत में मसरूफ थी। एक दूर दराज सरहदी जिले से ताल्लुक रखने वाली अरमीम ने इस इम्तिहान के लिए जितनी मेहनत की इससे ज्यादा मेहनत अरमीम की वालिदा ने की है। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी एजाज असद ने अरमीम शमीम की कामयाबी को इलाके के लिए एक बड़ी मिसाल से ताबीर करते हुए अरमीम को जिला इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। एससी एसटी मोर्चा ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जहां जिस दौरान मोर्चे की जानिब से रियासती इंतजामिया से यह मुतालबा किया गया कि पंचायतों की तामीर और तरक्की के लिए हुकूमत फंड्स मुहैया कराए ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। श्यामलाल महाशय गरीब एससी एसटी मोर्चा का प्रधान, सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि हमारी ये जो पंचायतें हैं डिफंक पड़ी हुई हैं, लोग जीत के तो आए हुए हैं, काम करने की इच्छा भी रखते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है। सरकार ने ऐलान किया था कि पंचायतों को हम जल्द से जल्द पैसे जो हम प्रोवाइड करेंगे और गांव के जो तरक्की है खुशहाली है वो हो सकेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि गवर्नर साहब जल्दी से जल्दी
हमारे ये जो पंचायतें हैं, जितनी भी पंचायतें हैं, इनको जल्दी से जल्दी फंड्स जो हैं वो मुहैया कराएं, ताकि हमारे जो गांव के जो गरीब लोग हैं, जो नालियां हैं, गलियां हैं, सड़कें हैं, छोटे छोटे काम जो हैं वो जो गांव के ये हो सकें। अभी तक के उर्दू खबरनामे में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान आसिफ रशीद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।